गोहाना की। गोहाना में राइस मिलों पर लगे प्रतिबंध के बाद किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपज की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे मंडी में व्यापार काफी हद तक प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। गोहाना अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे लगे धान के ढेर सिस्टम की बेरुखी की कहानी कह रहे हैं। धान की ये फसल जमीन पर नहीं अन्नदाता की छाती पर रखी दिखाई पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार सेहत के साथ साथ किसानों की पेट पर सबसे ज्यादा पड़ी है। प्रदूषण के कारण लगी पाबंदियों की जद में राइस मिलें शामिल हैं। पहले 24 घंटे तक चलने वाली ये मिलें नए नियमों के मुताबिक अब केवल 8 घंटे तक ही काम कर सकती हैं। इसका सीधा असर मंडी में धान की खरीद फरोख्त पर पड़ा है। व्यापारी ज्यादा धान खरीदने से बच रहे हैं, जिससे कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। 10,000 के भाव बिकती थी, अब 3,650 या 3,600 और 17-18 बासमती सारी कम हो रही। कारण ये बता रहे नीला में कुछ वो कमा पेशी आ रही है या कुछ हो रहा है या पता नहीं, पर जमींदार का तो घाटा हो गया। जमींदार को तो 300 के 400 के घाटा हो गया जमींदार का। ये तो गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट करके ने, और तो जमींदार को तो वहाँ पूरा दिवाना चाहिए। लगातार बदलते मौसम और बारिश की संभावना के बीच भी किसान फसल को खुले में छोड़ने को मजबूर हैं। ना बेहतर भाव मिल पा रहा है, ना ही भंडारण के बेहतर इंतजाम है। नम आंखों के साथ अन्नदाता पैदावार को बर्बाद होते देखने के लिए मजबूर है। बहुत बड़ी परेशानी है जी, ऐसा है कि 4,500 तक भाव डालिए पहले, और अब भाव सारा 3,700 गिरी उठाओ है, मन चाहे है भाव है करके और छोड़ दें। अब मिलर पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब वो तो मिलर नहीं पता है। पहले इतने भाव ला लिया, अभी एकदम 500-700 रुपए डाउन है, और जीरी ऐसे ऐसे जीरी उठाई और मन मत ये भाव करके छोड़ दिया। नुकसान है जमींदार को, ट्रैली के साथ में कम से कम 15-20,000 का नुकसान है ट्रैली के साथ में। तो वहीं इससे व्यापारियों को भी भारी घाटा हो रहा है। रात दिन चलने वाली राइस मिलों के तय अवधि में चलने के कारण व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसका मेन कारण यही है, आज से एक हफ्ता पहले 4,000 के भाव थे, अब 3,700 के भाव चल रहे हैं, और ये सब के नाम है सरकार की पॉलिसी के तहत हो रहा है। एक मिल को सुचारू रूप से चलने के लिए 24 घंटे चाहिए, जबकि सरकार पोल्यूशन का बहाना लेके मिल वालों के ऊपर नजायज दबाव डाल रही है। 8 घंटे कह रही है, 8 घंटे में क्या होगा? 8 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा, उनकी के नाम तैयारियां पूरी नहीं होंगी यार 8 घंटे में, जबकि 24 घंटे कम से कम जरूर चाहिए एक मिल को सुचारू रूप से चलने के लिए। इस वजह से उनके पास स्टॉक ज़्यादा हो गया है, रखने के लिए जगह नहीं है, तो सरकार से यही है कि नाम उनको के नाम टाइमिंग बढ़ाई जाए। राइस मिलों पर लगाए गए नए प्रतिबंध के बाद मंडी में व्यापार धीमा पड़ा है। न व्यापारी वर्ग खुश है और न ही किसान। इंतजार है प्रतिबंध के हटने का, जब राइस मिलें फिर से उसी रफ्तार के साथ काम करना शुरू करेंगी और किसानों का बुरा वक्त समाप्त होगा, पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।